ये देखिए एक बार नजर डालिए, गर्मा गर्म इतना बड़ा बड़ा ना पूड़ियाँ तैयार हो रही है। ये अगर एक बार पी ली ना तो ये तो पक्का कुंभकर्ण वाली नींद पक्की है आपकी। तो भैया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। मैंने ऐसी पूड़ियाँ अभी तक पूरी दिल्ली में कहीं नहीं खाई। ये क्या बाल्ट है, भर भर के ऐसे छोले आते हैं और ये देखिए पूरा भर रहे हैं भैया। हेलो गाइस, तो फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली के पूड़ी पाजी में। और गाइस दिल्ली में जैसा कि आप सबको पता है जबरदस्त मानसून का सीजन चल रहा है, रोज बारिशें हो रही हैं और ऐसे में मैं आ गया हूँ आज कमला नगर की मार्केट में। और कमला नगर की मार्केट के में बहुत ही फेमस है एक बार देखिए बिल्ले दी हट्टी, जो कि अपनी पूड़ी और छोलों के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ की लस्सी बहुत ज़बरदस्त होती है, यहाँ के मालपुए जो सिर्फ सावन में मिलते हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं यहाँ के। तो आइए फटाफट चलते हैं और देखते हैं क्या आइटम्स हैं यहाँ पे। तो गाइस आइए यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे है पूड़ियों का सेक्शन, आइए जरा इधर। तो भैया देखिए कितनी ज़बरदस्त बड़ी बड़ी पूड़ियाँ तैयार कर रही हैं। और ये होती है मैदे की पूड़ी और भैया बीच में इसमें स्टफिंग होता है, स्टफिंग दाल का पीठी की, कौन सी दाल की, मूंग दाल पीठी। और ये ऑर्डर ना अंदर लगने जा रहा है किसी के लिए। और ये देखिए एक बार नजर डालिए, गर्मा गर्म इतना बड़ा बड़ा ना पूड़ियाँ तैयार हो रही है। और आइए इधर देखें, ये भैया ने पेड़े तैयार कर रखे हैं, इधर एक तरफ पेड़े तैयार हो रहे हैं, वो पेड़े इधर अंदर जाते हैं। और कढ़ाया देखिए पूरा इतना बड़ा कढ़ाया ना, इतना जबरदस्त कढ़ाया। और ये पूरा दिन भर ना इनका बैक टू बैक यही चलता रहता है। और पूड़ियों का ना हस्ता करारी पूड़ियाँ देख के मुंह में ना पानी आ रहा है भैया। एक तो वैसे ही बारिशों का मौसम है, ऊपर से ऐसा अगर नाश्ता मिल जाए ना सुबह सुबह तो एकदम दिन बन जाता है। ये गाइस देखिए क्या बाल्ट है, भर भर के ऐसे छोले आते हैं और ये देखिए पूरा भर रहे हैं भैया इतनी ज़्यादा तादाद में ना, ये पूरा दिन भर ऐसे ही चलता है। तो भैया जी ये ज़रा दिखाएंगे छोले एक बार चला के। हाँ जी, ये छोले में क्या क्या मिला हुआ है? ये कोफ्ते वगैरह भी लग रहे हैं, कोफ्ते हैं, आलू वगैरह भी है। हाँ जी आलू मिक्स होता है छोले के अंदर। हाँ जी आलू मिक्स होता है छोले के अंदर। अच्छा आलू छोले सब मिक्स है इन छोलों में। हाँ जी। और ये भी छोले ही हैं? हाँ जी हाँ जी दोनों छोले ही हैं। अच्छा ये यहाँ पे फिल करते रहते हैं? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। और इधर देखिए साथ में क्या क्या मिलता है प्लेट में? हाँ जी प्याज है, चटनी है, कचालू है। ये काय की चटनी है? मेथी की। मेथी की चटनी? हाँ जी। ठीक है। और ये आपका आ गया कचालू की चटनी? नहीं कचालू का अचार है। अच्छा कचालू का अचार है। हाँ जी। ठीक है जी। तो और ये कौन सा हलवा भैया जी? हाँ जी सूजी का हलवा। सूजी का हलवा जी। गाइस इसमें देखिए क्या दबा के ना ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं और ये भी इनका इतना मशहूर है ना, तो हम भी अपनी है ये एक प्लेट तो जरूर बनवाएंगे। नमस्ते भैया जी। नमस्कार जी। भैया पहले अपना शुभ नाम बताइए। मुकद्दर सिंह नाम है जी। मुकद्दर सिंह जी बड़ा ही जबरदस्त नाम है जी आपका है। तो भैया कितनी पुरानी शॉप है आपकी? 70 साल है जी। 70 साल हो गए जी जी। तो भैया यहाँ पे सबसे मशहूर क्या है? ये हमारे छोले पूड़ी और लस्सी होती है। छोले पूड़ी और लस्सी, ये पूरी बेदनी पूड़ी होती है? नहीं जी मैदे की पूड़ी होती है। अच्छा मैदे की पूड़ी नॉर्मल सिंपल है और साथ में छोले? सिंपल नहीं है, उसके अंदर स्टफिंग होती है। अच्छा स्टफिंग किस चीज की? उड़द दाल की होती है। ठीक है जी। और छोले? छोले हमारे ये बिना प्याज लहसुन के होते हैं 12 महीने। अच्छा हाँ जी। और साथ में लस्सी है? जी जी। और इसके अलावा भैया जी और क्या क्या आपके यहाँ पे? और तो ये बहुत आइटम है लेकिन ये सबसे जो हमारी फेमस है वो पूरी छोले और लस्सी है जी। अच्छा। बाकी गुलाब जामुन हलवा है, पालक छोले चावल, आलू की चोड़ी है, छोले की चोड़ी है। शाम को स्नैक्स की आइटम तैयार हो जाती है, समोसे हैं, आलू ब्रेड है, पनीर ब्रेड है, मूंग दाल के लड्डू है, जलेबी है, और शाम को 4 बजे वाले 3 बजे तक हमारी पूरी रहती है। लस्सी हमारी 7:30 बजे तक रहती है शाम। शाम तक रहती है लस्सी जी। तो लस्सी के लिए तो मैंने पहले बहुत सुना, बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, पूड़ियों के लिए भी बहुत दीवानगी है यहाँ जी जी। तो भैया एक प्लेट हमारी भी लगा दीजिए। बिल्कुल जी। तो भैया जी पहले अपना नाम बताइए। सत्यवान। सत्यवान सत्यवान जी एक प्लेट हमारे लिए भी लगाइए। हाँ जी पूड़ी छोलों की। अच्छा ये पत्तल में आता है? हाँ जी हाँ जी। इसमें खाने का ना मजा ही अलग है, बिल्कुल पुराने तरीके से सर्व कर रहे हैं। और ये देखिए ये भैया ने डाल दिए छोले और ये आ गया। ये कोफ्ता, कोफ्ता किस चीज का रहता है? अच्छा मूंग की दाल है। मूंग दाल का कोफ्ता है। हाँ ठीक है। ये आ गया जी सैलेड, प्याज, प्याज का मेथी, और ये मेथी की चटनी। और भैया जी वो जो लाल मिर्च है ना वो भी मुझे डाल दीजिएगा। ये साथ में आ गई लाल मिर्च। और भैया कोई कंजूसी नहीं कर रहे, क्या जबरदस्त बहुत ही खट्टी चटपटी होती है। और ये आ गया जी कचालू का अचार। हाँ जी कचालू का अचार। ये कचालू भी भैया देखिए क्या पूरी आलू के साथ ना, छोले पूरी के साथ ये अगर मिल जाए तो बात ही क्या है। ये आ गया जी हमारा सूजी का हलवा ड्राई फ्रूट वाला,
तो गाइस ये देखिए हमारी आ गई है भैया गर्मा गर्म पूड़ियाँ, खप्पा करारी एकदम फ्रेश पूड़ियाँ निकाल के गर्मा गर्म लाए हैं, और देखने में ना मुँह से पानी आ रहा है मेरे तो। तो ये हमारी प्लेट ना सज चुकी है, साथ में ये हलवा भी आ गया है, अभी ये चम्मच दे दीजिएगा साथ में। तो गाइस सिटिंग अरेंजमेंट इनका अंदर भी है, पूरा फुली एसी है, लेकिन हम ना जरा अंदर थोड़ा सा भीड़ जरा ज़्यादा है, बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो हम बाहर चलते हैं, वहाँ पे खाते हैं, वहाँ पे करते हैं इसका रिव्यू। तो गाइस इस वक्त मैं हूँ बिल्ले दी हट्टी पे, और ये देखिए हमारी प्लेट सज के तैयार हो गई, कितनी टेम्पटिंग लग रही, पूरी माउथ वाटरिंग लग रही है। और ये देखिए पूरी का है ना एक बार साइज देखिए, क्या जबरदस्त साइज है, और पूरी खस्ता करा रही है फुली फुली पूरी। साथ में छोले की सब्जी है जिसमें कि आलू भी है और कोफ्ते भी हैं, ये सैलेड आ गया, ये आ गया ये हमारी चटनी कचालू की, और साथ में ये भैया मेथी की चटनी है, कचालू का अचार हो गया जी और मेथी की चटनी, और साथ में ना चिल्डम चिल ठंडा ठंडा दही। ये देखिए कितना बड़ा ही गिलास है, अच्छा इससे एक और बड़ा गिलास है, ये देखिए जी एक और बड़ा गिलास है भैया ने ना, ये देखिए तो, लेकिन मैंने ये दो गिलास लिए हैं। और ये देखिए ये मलाई आ गई तैयार हो गए, ये देखिए भर भर के भैया मलाई डाल रहे हैं, ये देखिए ये तैयार हो गया जी हमारा। और साथ में ना भैया ने मैं हलवा भी दिया है, एक बार देखिए ये है सूजी का हलवा ड्राई फ्रूट वाला, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। तो कहाँ से शुरू करूँ, तो सबसे पहले पूड़ियों से शुरू करते हैं गाइस, तो ये लेता हूँ जी पूड़ी, बहुत ही गर्म पूड़ी है, बहुत ही खस्ता करा रहा पूरा, इतनी पूड़ी जो है ना एकदम फुस नहीं हुई अभी तक। ये तोड़ते हैं जी ये हम, और ये बनाते हैं बाइट, ये लिया हमने कोफ्ता, ये लिए छोले, और ये कचालू। तो ये जी हमारी बाइट तैयार है। भाई ये तो पक्का पूरी दिल्ली में ना, अभी तक मैंने पूड़ियां तो ऐसे बहुत खाई हैं, लेकिन इससे गजब की, इतनी गजब की पूड़ी ना मैंने कहीं नहीं खाई। बिल्ले दी हट्टी ऐसी नाम नहीं इनका, 70 साल पुरानी शॉप है, और पूड़ी छोले पहली बाइट रखते इतना मजा आ गया ना, इतनी जबरदस्त है, इतनी क्रंची है, सब्जी का तो क्या ही कहूँ गाइस, वाकई बहुत ही गजब की पूड़ियां हैं। तो भैया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स, मैंने ऐसी पूड़ियाँ अभी तक पूरी दिल्ली में कहीं नहीं खाई, इतनी गजब की पूड़ी बिल्ले दी हट्टी कैसे बनाते हैं आप 70 साल पुरानी शॉप है, पुराने जो लोग हैं उनका वही पुराना जायका है, पुराना टेस्ट है, ठीक है जी। तो जी गाइस अगर आपको भी ऐसी पूड़ियाँ खानी हो ना कमला नगर में, बस गूगल पर डालिए बिल्ले दी हट्टी और कमला नगर पर आ जाइए, और ये यकीनन मैं पूरा दावा कर रहा हूँ आपने ऐसी पूड़ी पूरी ना दिल्ली में अभी तक तो कहीं भी नहीं खाई होगी, तो मेरे लिए तो इसको पूरा सुपर थम्स अप है। तो गाइस ये भैया ने ना हमें इनका स्पेशल सूजी का हलवा भी साथ में दिया है, तो इसकी एक स्पेशल सी वो भी बनाते हैं बाइट, तो ये देखिए पूड़ी के साथ लेते हैं, ये इनका ना बहुत ही स्पेशल हलवा है, ये बनाते हैं इसकी बाइट, और ये ड्राई फ्रूट आ गया है सूजी का हलवा। भाई कसम से इनका सूजी का हलवा ना ये भी मैंने अब तक का सबसे बेस्ट हलवा लगाया, यहाँ पे अगर आप आए ना इनका सूजी का हलवा बिल्कुल भी मिस मत करना। तो गैस पूड़ी के साथ तो बहुत ही जबरदस्त लगा इनका हलवा, और एक बार ऐसे भी लेते हैं इनका हलवा, एक बार ये पास आइए दिखाइए, ये इनका देखने में इतना जबरदस्त लग रहा है। पूरा सुपर थम्स अप है, मिस मत कीजिएगा इसको, आइएगा पूड़ियाँ तो खाइएगा साथ में इनका हलवा भी लीजिएगा। और अब लेते हैं जी इनकी लस्सी जो कि बहुत चिल्ड है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है, ना इन्होंने रूप जा डाला है ना कोई फ्लेवर डाला है। तो गाइस ये देखिए भैया ने ना हमें एक्स्ट्रा मलाई दे रखी है, अगर आप बोलेंगे ना तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मलाई भी मिल जाती है यहाँ पे। तो ये देखिए पहले इसको टेस्ट करते हैं, बहुत ही गजब की है। तो खास बात ये है कि इन्होंने ना एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिला रखा, पूरे प्योर दूध की प्योर दही की इन्होंने लस्सी बना रखी है, बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही टेस्टी है, ये अगर एक बार पी ली ना तो ये तो पक्का कुंभकर्ण वाली नींद पक्की है आपकी, तो ये पी के तो एकदम गहरी नींद सोना ही सोना है।
तो गाइस ऐसे मानसून में ना, ऐसी बारिश के मौसम में यार आपको इतनी बढ़िया पूरी मिल जाए, साथ में हलवा और साथ में लस्सी मिल जाए, तो आपका ये तो पक्का दिन बन जाएगा। तो गाइस शॉप की पूरी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे ही दूंगा। आपको बस ये जो है ना बिल्ली की हट्टी, यहाँ पे आना है, टेस्ट करना है, मजे करने हैं। और हाँ जी, फटाफट से ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। अपना प्यार ऐसे देते रहिएगा और आपको मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाता रहूंगा। तो चलता हूँ मैं अगली डेस्टिनेशन में एक और आपके लिए जबरदस्त सी वीडियो बनाने। तब तक के लिए सत श्री अकाल, बाय बाय।